जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। अवध विश्वविद्यालय के प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। दैनिक जागरण में एक आर्टिकल छपा है, उसके बेस पे मैं अगर आपको बताऊं कि बहुत बड़ी अपडेट ये है कि अवध विश्वविद्यालय में 88 कोर्सेज में, जी हाँ दोस्तों, 88 कोर्सेज में जो आपके एडमिशन होने वाले हैं वो अब बिना एंट्रेंस एग्जाम्स के होंगे। यानी आप डायरेक्ट इन 88 कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम्स में, 88 कोर्सेज में। वहीं 5 कोर्सेज की बात करें दोस्तों, तो 5 कोर्सेज के आपके एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे। तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होने वाले हैं, कौन से कोर्सेज के, और कौन सा वो 88 कोर्स है जिनका एडमिशन दोस्तों बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम्स के हो जाएगा, तो उन सब पे बात करी जाएगी। और एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट भी रिलीज कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एमएड का एंट्रेंस एग्जाम्स कब होगा, आपके एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम्स कब होगा और डी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम्स कब होगा, इस सबसे जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आ रही है अवध विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए। तो आइए ज़रा देखते हैं वन बाई वन खबर क्या है और कब हमें एग्ज़ाम्स देना है। तो ये वो खबर है जहाँ पे साफ तौर पे आज दैनिक जागरण में ये आर्टिकल छपा है। 18 तारीख को, 18 जून को ये रिलीज किया गया है कि 5 कोर्सेज में परीक्षा और 88 कोर्सेज में सीधे प्रवेश। किसकी बात की जा रही है दोस्तों? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन की गई तिथि समाप्त हो गई है। जी हाँ, जैसा कि मैंने भी आपको अपडेट किया था, पल पर अपडेट किया जाता है कि अवध विश्वविद्यालय में जो एंट्रेंस एग्जाम की लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की, वो 15 जून रखी गई थी। ठीक है, देखिए कुल 90 कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए थे, 90 कोर्सेज में, और कुछ कोर्स में तो हमेशा डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 90 कोर्सेज में मांगे गए थे, जिनमें बच्चों ने, इंटरेस्टेड बच्चों ने वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन सिर्फ 5 ही कोर्सों में प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ 5 ही, शेष 88। अब ये देखिए, अगर 90 में आवेदन किया गया और अब 5 में प्रवेश, तो 88, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल एरर कर दिया है दैनिक जागरण वालों ने। मगर कहने का मतलब है ये खबर ये कह रही है कि केवल 5, मुख्य बात यहाँ की कि इस प्रवेश परीक्षा सिर्फ 5 कोर्सेज में क्या कराई जाएगी, बाकी में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा। अब वो कौन कौन से 5 कोर्सेज है? जिन 5 कोर्सेज में प्रवेश परीक्षा आयोजित होनी है उसमें एमएड, जी हाँ, इसका बहुत ही बच्चों के साथ बेसब्री से इंतजार था कि सर एमएड का एग्जाम्स कब होगा। तो यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा रहा है कि एमएड का एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, कब होगा वो भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा दोस्तों एलएलएम, यानी कि आपका जो मास्टर्ड में लॉ करना है जिन बच्चों का, उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। बी फार्मा का एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, साथ ही साथ डी फार्मा का, डी फार्मा का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होगा। और एलएलबी 3 साल के कोर्स, जी हाँ, एलएलबी 3 साल के कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम्स होगा। तो 5 कोर्सेज जो दैनिक जागरण में ये आर्टिकल छपी है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो पहला है एमएड, दूसरा है एलएलएम, बी फार्मा, डी फार्मा और एलएलबी 3 साल। एलएलबी 5 साल के बच्चों का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं होने वाला है। ठीक है, एलएलबी 5 साल के बच्चों का यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं होने वाला है, साफ तौर पर यहाँ पे कहा जा रहा है। चलिए, अब प्रवेश परीक्षा कहाँ होगी? प्रवेश परीक्षा की जो डेट 28 जून निर्धारित केंद्रों पर संपन्न होगी दोस्तों, 28 जून यहाँ पर निर्धारित की गई है। 28 जून को, इसी महीने में 28 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होना है। और इन 5 कोर्सेज में 4,365 अभ्यर्थी हैं। कितने टोटल अभ्यर्थी इन कोर्सेज में एग्जाम देने आ रहे हैं? 4,365 बच्चे यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम्स देने आएंगे। ठीक है, शामिल होंगे आवासीय प्रवेशक समन्वयक प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव जी ने बताया कि परिसर के समस्त कोर्सेज में आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल 90 पाठ्यक्रमों में 7,809 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। तो दोस्तों आपके इतने आवेदन हुए थे, कुछ पेमेंट नहीं हो पाएगा। टोटल आपके 4,365 बच्चों का क्या होना है, आपका एंट्रेंस एग्जाम्स होना है बच्चों, वो भी कब होगी, मुख्य बात यह है कि 28 जून को निर्धारित होगी। अच्छा, एक और समस्या ये है कि 28 जून को वीडियो का पेपर है। तो क्या आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसका वीडियो के साथ क्लैश हो रहा है, मतलब वीडियो का भी पेपर है आपका और आपका एंट्रेंस एग्जाम्स का भी पेपर है? यह डेट पहले से ही मुझे इस पे डाउट थी कि काश इस दिन नहीं होती, क्योंकि 28 जून को वीडियो का भी पेपर है। तो अब अगर कोई बच्चा होगा इसमें तो आप कमेंट में बताइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दोनों एग्ज़ाम्स एक ही दिन यहाँ पे क्रैश कर रहे हैं। तो फिलहाल यही दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है कि 5 कोर्सेज में आपकी परीक्षाएं होंगी और एमएड का एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, एलएलएम का होगा, बी फार्मा, डी फार्मा का होगा और एलएलबी जिन बच्चों का 3 साल का है उनका एंट्रेंस एग्जाम होगा। एलएलबी 5 साल वालों के लिए कोई अपडेट नहीं है, उनका एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पर नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इन्हीं 5 कोर्सेज में आपके एग्जाम्स होने हैं। तो 28 तारीख को आपका पेपर है, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बहुत देखिए, बच्चे कम है, बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं है, तो इजीली आपका एडमिशन तो हो ही जाना है। थोड़ा बहुत मेहनत कर दीजिए, बहुत अच्छे से आपके रैंक आ जाएगा और आपका एग्जाम्स हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी अवध विश्वविद्यालय से जुड़ी जितनी भी अपडेट होगी आपको बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों, कमेंट में अगर कोई सवाल है, प्रश्न है, सुझाव प्रक्रिया है तो प्रतिक्रिया तो आप मुझे दे सकते हैं, मुझे उसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप बताइए कौन से कोर्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, कब एग्जाम देने जा रहे हैं और कैसी तैयारी चल रही है आपको। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों अन्य अपडेट के साथ, तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।